बाबा बागेश्वर शनिवार को पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर पहले से बेहद विवाद हो रहा है। वहीं शुक्रवार को बाबा बागेश्वर के आने को लेकर दर्शन नौबतपुर के तहत पाली मठ में आयोजित कार्यक्रम से पूर्व हजारों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस कलश यात्रा के दौरान महिलाओं के चेहरे पर उत्साह देखते ही बन रहा था। नौबतपुर प्रखंड के मोतीपुर गाँव से गंगा जल भरकर ईएम सरदार कथा स्थल त्रिपाठी मठ की ओर रवाना हुआ। भक्ति गीतों पर झूमते नाचते श्रद्धालु उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए थे। यह सभी लोग जय श्री राम और बाबा बागेश्वर धाम के नारे लगा रहे थे। महेश कलश यात्रा में शामिल एक महिला श्रद्धालु का कहना है कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में आगमन होने जा रहा है, इसको लेकर वे लोग काफी खुश हैं। खास तौर पर युवाओं के लिए बड़ा गर्व की बात है कि बिहार में उनका आगमन हो रहा है। जिस तरह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से देश में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात कही जा रही है, वह काफी अच्छा है। इसलिए उनके आगमन से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार की सुबह पटना पहुंच रहे हैं। उनका 13 मई से 17 मई तक पटना के तरेत पाली मठ में कार्यक्रम है। जब बाबा के आगमन की खबर मिली थी तो ही उसके साथ ही विरोध की खबरें भी आने लग गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने के लिए तरेत तेज प्रताप की डीएसएस आर्मी लठ लेकर परेड भी कर चुकी है, ताकि उन्हें पटना एयरपोर्ट पर ही रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ सवर्ण सेना बागेश्वर बाबा के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर बिहार में बयानबाजियों का भी दौर चल रहा है। बीजेपी नेता ये चैलेंज देते फिर रहे हैं कि दम है तो बाबा को अरेस्ट करके दिखाएं।